गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कंटिन्यू अपन कर रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको हुंड्स रूल के अंदर कैसे इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करी जाती है वो मैंने आपको बताया था। इस चैप्टर का मेन पॉइंट्स और है जिसका नाम है स्पेक्ट्रम। आप सभी लोग स्टूडेंट ने क्लास 10th में पढ़ा था स्पेक्ट्रम फिजिक्स चैप्टर के अंदर। आज स्पेक्ट्रम फिर आ गया आपके सामने। इन शॉर्ट वे में हम बात करें द स्प्लिटिंग ऑफ कलर्स इन अ प्रिज्म। किसी प्रिज्म के अंदर जो कलर्स की जो स्प्लिटिंग है वो स्पेक्ट्रम को रिप्रेजेंट करेगी। क्लियर? पर ये थोड़ा 10th लेवल के अकॉर्डिंग था बेटा। अब आज अपन करें 11th में केमिस्ट्री के अंदर वापस स्पेक्ट्रम आया एटॉमिक स्ट्रक्चर में। एक्चुअली स्पेक्ट्रम के हम पर्टिकुलर डिफाइन देखें 11th स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग तो मैंने लिखी हुई है। स्पेक्ट्रम इज द इंप्रेशन प्रोड्यूस्ड ऑन ए स्क्रीन व्हेन रेडिएशन ऑफ पर्टिकुलर वेवलेंथ आर एनालाइज थ्रू ए प्रिज्म। इसका मीन क्या कहता हूं, स्पेक्ट्रम एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर से हम जब किसी सोर्स ऑफ लाइट को किसी प्रिज्म से जब पास करते हैं तो प्रिज्म से पास होने के बाद जब वो जो लाइट है, लाइट इट मींस व्हाइट लाइट, जब हमें स्क्रीन पे 7 कलर्स में प्रोवाइड होगी और 7 कलर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगी, या जो व्हाइट लाइट है वो 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाएगी, इट मींस वो प्रोसेस क्या कहलाएगी बेटा, प्रिज्म कहलाएगी। सॉरी, वो प्रोसेस क्या कहलाएगी, अपनी स्पेक्ट्रम कहलाएगी। एक बार समझो, द स्प्लिटिंग ऑफ कलर्स इज नोन एज स्पेक्ट्रम, या अदर लैंग्वेज बोले तो जब किसी व्हाइट लाइट को प्रिज्म से पास किया जाता है और प्रिज्म से पास होने के बाद जब वो स्क्रीन पे 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है, इट मींस दिस टाइप ऑफ प्रोसेस इज नोन एज स्पेक्ट्रम। एक एग्जांपल देखिए और डायग्राम के अकॉर्डिंग देखना बेटा। ये आपका सोर्स ऑफ लाइट है। सोर्स ऑफ लाइट इट मींस जिस मीडियम के थ्रू हम लाइट दे रहे हैं, लाइट पास कर रहे हैं। अब यू नो वेरी वेल, कुछ भी हो सकता है, वो बल्ब हो सकता है, कैंडल हो सकती है, एक्सेट्रा कुछ भी हो सकता है। तो इसमें हमने व्हाइट लाइट निकल रही है, जब इस व्हाइट लाइट को प्रिज्म से पास किया, प्रिज्म से पास होने के बाद जब वो स्क्रीन पे 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाएगी तो वहां जो प्रोसेस क्रिएट होगी उसको हम स्पेक्ट्रम कहेंगे, पहली बात। दूसरी बात, जब ये प्रिज्म से पास होगी तब इसमें 7 कलर्स होंगे, वो इस प्रकार होंगे वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, जिसको आप इन शॉर्ट वे में विबग्योर नाम से भी इसको प्रोनाउंसिएशन कर सकते हो। तो यहां जो आपको दिख रहा है तो इसमें आपने क्या देखा कि वायलेट कलर है वो सबसे नीचे की ओर आ रहा है और रेड कलर सबसे ऊपर की ओर आ रहा है। सर, इसका मीन क्या है? इसका मीन क्या है कि जब व्हाइट लाइट को प्रिज्म से पास किया तो जो वायलेट कलर है उसका डेविएशन सबसे ज्यादा है। सो व्हाट डू यू मीन बाय डेविएशन? डेविएशन मतलब जब व्हाइट लाइट को पास किया तब सबसे ज्यादा जो बैंड हुआ है वो वायलेट हुआ है, तो इट मींस उसका डेविएशन ज्यादा है। और जिस कलर का डेविएशन ज्यादा होता है इट मींस उसकी वेवलेंथ उतनी कम होती है। और वेवलेंथ मैंने आपको इस प्रीवियस वीडियो बताया था, वेवलेंथ जो है डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कहने का मतलब है जैसे ही व्हाइट लाइट को हमने पास किया, स्क्रीन पे हमें 7 कलर्स मिले और 7 कलर मिल रहे हैं तो वायलेट सबसे नीचे की ओर हो रहा है। व्हाई? बिकॉज क्योंकि वायलेट कलर है वो ज्यादा बैंड हो रहा है, ज्यादा बैंड हो रहा है, इट मींस उसकी जो डेविएशन है, सॉरी हाँ, जो उसकी डेविएशन है वो क्या है, सबसे सबसे ज्यादा, क्योंकि सबसे ज्यादा बैंड हो रहा है तो उसकी वेवलेंथ सबसे कम है। फिर इसके बाद हम देखते हैं सबसे ऊपर टॉप मोस्ट में क्या रहा है, रेड कलर। रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, ये आप 7th 8th 9th में पढ़ चुके हो, तो उसके अंदर लीस्ट डेविएशन होगा। तो जो सबसे ज्यादा बैंड होगा उसकी डेविएशन ज्यादा, वह वेवलेंथ कम। जो कम डेविएट हो रहा है तो उसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी। ठीक, यहां से हम देखते हैं एक लाइट और जा रही है डैश डैश करके, दिखिए आपको। तो ये लाइट और ये लाइट दोनों के बीच में एक एंगल क्रिएट हो रहा है। मैथ्स में आप जानते हो दो लाइंस को जब इंटरसेक्ट होंगी तब उनके बीच में जो दिख रहा है तो ये एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये एंगल किस चीज पर, ये रिप्रेजेंट कर रहा है डेविएशन ऑफ एंगल। यानी कहने का मतलब हो गया, इन शॉर्ट में मैं बात करें बेटा,
कि स्प्लिटिंग ऑफ सेवन कलर्स इन ए प्रिज्म, दिस टाइप ऑफ प्रोसेस नोन एज स्पेक्ट्रम, या अदर लैंग्वेज बोले स्टडी ऑफ स्पेक्ट्रम इज नोन एज स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसके अंदर स्पेक्ट्रम की स्टडी की जाती है, उस ब्रांच को हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। और विच टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट, स्पेक्ट्रोस्कोप, इंस्ट्रूमेंट को स्पेक्ट्रोस्कोप, जो स्टडी है उसको स्पेक्ट्रोस्कोपी, और जो फिनोमिनन क्रिएट हो रही है उसको हम क्या बोलेंगे, स्पेक्ट्रम कहेंगे। इतना क्लियर है? वैसे आप लोगों ने टेंथ में पढ़ रखा है, बड़ा फिजिक्स के अंदर आपने पढ़ रखा है। तो सबसे कम वेवलेंथ किसकी होगी, वायलेट की, और डेविएशन सबसे ज्यादा होगा। रेड कलर जो है उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, डेविएशन कम है क्योंकि सबसे टॉप मोस्ट पे आ रहा है। तो सेवन कलर्स में जो स्प्लिट्स हो रहे हैं, इट मींस ये सेवन कलर का स्प्लिट्स होना विब्ग्योर, इट मींस दिस टाइप प्रोसेस नोन एज स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम को क्लासिफिकेशन किया गया बेटा 11th के अकॉर्डिंग, इमिशन स्पेक्ट्रम और एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इमिशन स्पेक्ट्रम को मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान से देखना। एक होता है कंटिन्यू स्पेक्ट्रम और एक होता है डिसकंटिन्यू स्पेक्ट्रम। कंटिन्यू स्पेक्ट्रम इट मींस जितनी भी ये जो रेडिएशन जो आ रही है, आपको दिख रही है कलर दिख रहे हैं, इनका सिक्वेंशियल ऑर्डर दिख रहा है, एक के बाद एक आ रहा है, तो दैट शो कंटिन्यू स्पेक्ट्रम है। या अदर लैंग्वेज में हम बात करें तो जिस प्रिज्म से व्हाइट लाइट को पास किया जाएगा तो वो क्या कहलाएगा बेटा, कंटिन्यू स्पेक्ट्रम। नेक्स्ट आता है डिसकंटिन्यू स्पेक्ट्रम। डिसकंटिन्यू स्पेक्ट्रम इट मींस जिसमें कलर्ड लाइट को पास किया जाएगा, प्रिज्म से कलर्ड लाइट पास हो रही है तो डिसकंटिन्यू, व्हाइट लाइट पास हो रही है तो दैट कंटिन्यू। डिसकंटिन्यू स्पेक्ट्रम को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, लाइन स्पेक्ट्रम एंड बैंड स्पेक्ट्रम। ये थोड़ा ध्यान रखना, इनके बारे में अपन डिटेल आगे पढ़ेंगे। सेकेंड स्पेक्ट्रम का जो टाइप है वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक लाइन स्पेक्ट्रम और एक बैंड स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम एज ए डिपेंड ऑन एटम, तो एटम से रिलेटेड जो होगा वो लाइन स्पेक्ट्रम कहलाएगा बेटा, और जो मॉलिक्यूल से रिलेटेड होगा वो क्या कहलाएगा आपको, बैंड स्पेक्ट्रम। तो ये पूरी जो आपको एक्टिविटी दिख रही है इसे हम कहते हैं टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम, या अदर लैंग्वेज तो क्लासिफिकेशन ऑफ स्पेक्ट्रम। तो कहने का मतलब हो गया, स्पेक्ट्रम की डिफाइन मैंने आपको बताई, स्पेक्ट्रम की जो स्टडी है उसको स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलेंगे, विच टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट यूज इन स्पेक्ट्रम ये स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो उस एपरेटस को, इस इंस्ट्रूमेंट को स्पेक्ट्रोस्कोप कहेंगे या स्पेक्ट्रोग्राफ भी कह सकते हैं। फिर ये मैंने आपको बता दिया स्पेक्ट्रम की डिफाइन एंड देन ये क्लासिफिकेशन ऑफ स्पेक्ट्रम। ठीक है ना, इतना आप रीड करना, कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में करना। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं पूरा आपको क्लासिफिकेशन ऑफ स्पेक्ट्रम जो है पूरा उसकी डिटेल बताऊंगा। ठीक है, थैंक यू।